हम आपको 8 ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे जो शास्त्रों में बताया गया है। इस संकेत का मिलना इस बात से साक्षी है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। दरअसल में भगवान अपना प्रेम सभी अलग अलग रूप में दिखाते हैं। भगवान का वर्णन आता पांडव माता कुंती भगवान से विपत्ति मांगती है तो कुंती माता रानी कहती है, जब हम पर विपत्ति आई तब आप हम बचाने के लिए उपस्थित थे, लेकिन जब हमने हमारा राजा उपस्थित हुआ दिया तो आप जा रहे हैं। सच्चा विपत्ति ही हमें दीजिए ताकि हम साथ में हमें प्राप्त होता रहे। भगवान किसी को सुख देते हैं और किसी को दुख देते हैं, लेकिन कुछ भगवान का भक्त या नहीं समझ पाते, दुख में भगवान की देने हैं वह निराश हो जाते हैं। उन्हें शंका होने लगती है कि भगवान उनकी परवाह है। इस सुविधा को दूर करने के लिए हम शास्त्रों में 8 ऐसे संकेत के बारे में बताते जा रहे हैं जो बतलाते हैं भगवान से आपसे प्रेम करते हैं। पहला संकेत यह है कि इस बार आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो भी करेंगे उस विफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको यह सुनकर अजीब जरूर लगेगा, लेकिन भगवान साथ से जिनका मिलता है उनके विफलता जरूर मिलती है। अगर आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी। यह संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको विफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप जीवन में सही उद्देश्य को समझ नहीं जाते हैं। दूसरा संकेत है, जब भगवान कृपा का पर होगी तो आपका बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप अपनी परेशानी किसी से बता नहीं पाओगे, और अगर आप किसी से बताने में सफल हो भी जाओगे तो परेशानी कोई समझ नहीं पाएगा। वे कहेंगे कि ये परेशानी बहुत छोटी है, यहाँ पर उसे ध्यान नहीं देंगे, फिर नज़रअंदाज कर देंगे। तीसरा संकेत जो है, भगवान कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा और आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपके मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान के जाने का प्रयास लग जाएगा। मनुष्य इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुखी ये अनेक मन के ईश्वर प्रति प्रेम विकसित करने का सहायक होगा। यह उनके बात क्या एहसास कराएगा कि यह संसार दुखालय है, भगवान को प्राप्त करने में ही कार्य है। चौथा संकेत में, भगवान कृपा होने की आखिर सारी उम्मीदें टूट जाएगी। ऐसा होने आपके अंदर एक नई खोज शुरू होगी, ऐसी खोज जिसे आप अपनी कमियों में जानेंगे, विफलता के कारण ढूंढ लेंगे, आप खुद के सवाल करना शुरू कर देंगे। यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेंगे। यह जुड़ाव ही आपको जीवन में एक नया बदलाव लगता है। तीसरा संकेत जो वह भगवान कृपा होने के आपको दुख मिलेगा। चौथा संकेत की है कि भगवान आपके साथ हैं तो वह उनके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी खामियां को जानते हैं तो आप इनसे सुधार करने का प्रयास करते हैं। इसे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप पहले अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान को खोजना शुरू करते हैं, इसे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होते हैं। हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की आगे बढ़ सकें। छठा संकेत है कि आप किसी चीज़ के हार और जीत के मन ऊपर उठ जाएगा। ऐसा समय होगा जब आप पूरी से ऊपर उठ जाएंगे, किसी काम लाभ हानि विचार किए बिना करेंगे। इस स्थिति में होने पर आप बाहर हो रही चीज़ों को विचलित नहीं होंगे, अपने अंतर मन से स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आप बाहर से भी मिल रहे हों दुख सुख दोनों से विचलित नहीं कर पाएंगे। सातवां संकेत एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आपका भगवान भक्ति संलग्न हो जाते हैं तब आपके जीवन में एक स्थिति आती है जिसमें हर चीज़ आपको सहज प्राप्त होने लगती है। आपके सारी चीज़ें संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, धन ईश्वर मोक्ष इत्यादि सहज प्राप्त होने के लगते हैं। ऐसे आपकी परीक्षा होती है, आप इन चीज़ों में सख्त न हो। आठवें संकेत में आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, जैसे आप एक आदमी से ही करते हैं। इस संकेत में मिलने के बाद आपके मन में जरा संशय नहीं रह जाएगा के साथ हैं, क्योंकि हर समय भगवान के साथ रहेंगे। द्वितीय विभिन्न शास्त्रों के दिए गए संकेत जिनके मिलने के समझ सकते हैं, भगवान आपसे प्रेम करते हैं।
यह सब सुनने के अजीब जरूर लग रहे होंगे, लेकिन इनका विवरण इस प्रकार दिया गया है। भागवत में श्लोक में भगवान समय कहते हैं कि जिसको कृपा करता हूँ उसको धन कर लेता हूँ, धन चले जाने से उसके सब संबंधी छोड़ देते हैं और तरह तरह से दुख आता है। मुझे आपको ये संकेत पसंद आए होंगे।